ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है एकाग्रता की शक्ति। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 75। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल्प पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरे एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 77। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्थात अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जर्नल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल मेहनत महानता का अनुभव कराती है। आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना, जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर हैं लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहाँ वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए जो यह विचित्र अनुभव कर सके। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हो यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है। फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा, नज़र से निहाल करने की यह स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियाँ वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं।
स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एकरस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी 28 जून 77। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकांत है। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 79। एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जावेंगे, जिससे संकल्प बोल और कर्म तीनों का संबंध है, वह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एकरस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है, यह क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं, और इस कारण कैसे हो क्या हो यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प
बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान का स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्वशक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा? वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं, चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो, एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पाठ बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आते हैं। अभी दुखी, अभी सुखी, यह हलचल समाप्त हो जाती है। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 81। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती हैं, एक परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, और परखने के बाद निर्णय करना। परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 82। जहाँ एकाग्रता नहीं, वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 1 जून 83। जितनी मनन शक्ति होगी, उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है, वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा, वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 83। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है, तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी, वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो।
एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो, एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं, इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति के विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो, साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ, तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना? बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना? एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 1984। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 1985। परखने की शक्ति कमजोर होने का कारण है बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती है। एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ सदा लगन में मगन रहना। एकाग्रता की निशानी सदा उड़ती कला के अनुभूति की एकरस स्थिति होगी। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 1985। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1991। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति से एकरस तीव्र स्थिति में रहने वाले हैं। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1991। योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा,
समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 93। सदा एक बल एक भरोसा यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। अभी अभी अच्छी स्थिति के अनुभव में स्थित होते हैं और अभी अभी अपने स्थिति से हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे चंचल होते हैं तो एक स्थान पर ज़्यादा समय टिक नहीं सकते, तो कई बच्चे यह बचपन के खेल बहुत करते हैं। अभी अभी देखेंगे बहुत एकाग्र और अभी अभी एकाग्रता के बजाय भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकते रहेंगे। तो इस समय विशेष अटेंशन चाहिए, मन और बुद्धि सदा एकाग्र रहे। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सर्व प्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह सम्मान स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। तो अभी क्या करना है, क्या अटेंशन देना है? एकाग्रता स्थित होते हो, अनुभव भी करते हो, लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते। कभी श्रेष्ठ अनुभव में, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर लगाते रहते हो। इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। तो एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। योग में भी बैठते हैं, बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हैं उतना समय एकाग्र स्थिति रहे, इसकी आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 94। कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो? सेकंड में कहते हो या करते हो? कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है, वह समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा? ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। कोई भी संकल्प में एकाग्रता की विशेषता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाएगी। एकाग्रता की विशेषता से फास्ट गति का परिवर्तन, ठीक है ना? अमेरिका वालों को पसंद है, बाप दादा के पास तो सबके फोटो हैं। देखेंगे अभी एकाग्र रहते हैं या सारा दिन में पोज बदलते हैं। बाप दादा को भी निश्चय है कि होना तो इन्हों को ही है, होना ही है। ये एकाग्रता की विशेषता सदा साथ रखना। अव्यक्तवाणी 22 दिसंबर 95। बच्चा होता है उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर,
तो मन भी अगर कंट्रोल में ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति होती है, इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास पढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समय को सामना करने के लिए सहज विधि है, पहले एकाग्रता की शक्ति। मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। इसलिए देखो, कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं, निर्णय की निशानी तराजू इसलिए दिखाते हैं, एकाग्र कांटा हो जाता है। तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति हो, जहां मन को चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाएं, तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः ही दिलाती है और दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकरस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप, दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना?
तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। बाप दादा तो बच्चों की यूनिटी एकता और एकाग्रता पर दुआएं देता है। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो। तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं। ओम शांति।